एब्सोल्युटली रिएक्शन कराया किसके साथ? एच प्लस, दिस इज एसिडिक वाटर। ओके, स्क्रीन मिनिमाइज कहाँ किया है? स्क्रीन तो पूरा फुल है। जीवन जीवन तुमको क्या दिख रहा है? सर डिस्प्ले छोटा आ रहा है आपका, स्क्रीन छोटी दिख रही है मुझे। अरे मैंने पूरा स्क्रीन बड़ा किया हुआ है, पूरा फुल पेज स्लेट पे लिख रहा हूँ। नहीं सर, आज थोड़ा सा थोड़ा छोटा दिख रहा है आज। मेरा भी फिट टू विंडो है क्योंकि। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, सब लोगों को छोटा दिख रहा। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। है ये कैसे? आपने सेटिंग चेंज की होगी। मैंने कोई सेटिंग ना चेंज किया यार, जैसा है वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। दिखाई दे रहा है? हाँ। समझ में आ रहा है? हाँ। क्योंकि मैंने कोई विंडो सेटिंग चेंज नहीं किया है। ओके, हाँ बीच में अपने आप ही बैटरी खत्म हो गया था तो स्विच ऑफ हो गया था और फिर से अपने आप ऑन हुआ था, अदरवाइज हमने कुछ किया नहीं है। जीवन दिख रहा है? जीवन क्लियर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। यस ठीक है, नहीं होगा तो मैं और भी बड़ा बड़ा लिखूंगा। नेक्स्ट मेरे पास था रिएक्शन विथ KCN, तो ये बनाता था साइनाइड, है ना? इफ इट इज रिएक्टिंग विथ AgCN, मैंने पूरा डिटेल में लिखवाया है, बोर्ड एग्जाम इंपॉर्टेंट वन, 2 मार्क्स एक्सप्लेनेशन कि व्हाई इट इज फॉर्मिंग CN, व्हाई इट इज फॉर्मिंग NC। याद रखो मैं पहले से बता दे रहा हूँ, ऑन रिएक्शन विथ MG सो दिस विल फॉर्म ग्रिगनार्ड रिएजेंट। CL है तो CL रहेगा, ZN लिया था तो सेम एज NA। तो ये था हम लोगों का एक ब्रीफिंग, और कल लास्ट लिया था मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, दिस इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, उसके बाद मेरे टेक्स्ट बुक में तुमको क्या लिखा हुआ मिलेगा मैं तुझे वो बता दूं। ठीक, कल वाला रिएक्शन। ऐसा बॉक्स मेथड से HOCl निकल गया था, दिस इज फॉर्मिंग CH2 एंड CH2। हाइड्रोजन बीटा पोजीशन से निकला था इसलिए बीटा एलिमिनेशन, हाइड्रोजन भी निकला था, हेलोजन भी निकला था, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। एच प्लस ले लो या वाटर ले लो, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस। क्या वर्ड यूज करेगा? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो मीन्स क्या हो गया? वाटर, एंड लिसिस मीन्स क्या हो गया? ब्रेक डाउन, तो ब्रेक डाउन बाय मीन्स ऑफ वाटर, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। किसी को डाउट है क्या यहां तक? बोलो, इज देर एनी डाउट टिल नाउ प्लीज, यस और नो? नो, नहीं है। अगर नहीं है तो सभी लोग एक इमीडिएटली, मेरे ख्याल से 5 to 6 मिनट इट विल टेक, एक जल्दी से हम लोग ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए टेस्ट देंगे, सभी लोग जल्दी से फास्ट, ठीक है ना?
एल्किल हैलाइड का। बोलो जल्दी से फास्ट, सभी लोग करो और सभी लोग मुझे पर्सनली नंबर भेजो कितने नंबर पाया सबने। सर आप जूम इन कर सकते हैं क्या? हाँ बोलो क्या करना है। जूम इन कर सकते हैं क्या स्क्रीन थोड़ा, क्योंकि बहुत अच्छा स्क्रीन जूम इन करना है, फॉन्ट बढ़ाइए करना, फॉन्ट बढ़ाइए जूम। बस एक ही मिनट। कहाँ पर है फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज, यस लो इतना बड़ा कर दूं क्या? नहीं, जैसा था वैसे ही रहने देता हूँ। जूम इन का ऑप्शन होता है कहाँ पर, व्यू 100% की जगह पर ये लो। एक 125% कर दिया। बड़ा हुआ कुछ नहीं, उतना ही रह गया, उतना ही रह गया। जाने दो सर, अपने इधर से कर लेंगे बच्चे। अरे ग्रेट, हमारे इधर से भी होता है। वेदांत कितना सोचते हो तुम लोग। हाँ सर, हाँ आपके बारे में ना। हाँ सर, चॉकलेट देना भूलना मत। हाँ बिल्कुल नहीं देंगे, चिंता ना करो। नहीं देंगे, एक भी नहीं दूंगा, चिंता मत करो। चलो ये सारी की सारी चीजें ये लो, फॉन्ट साइज ही मैं बढ़ा देता हूँ, कैसे नहीं होगा। अब सही है? हाँ हाँ, इतना हाँ, 18 ठीक है। चलो बट उसमें क्या होगा, फिर सारे क्वेश्चंस एक बार में नहीं आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जल्दी से करो और सभी लोग मुझे सेपरेटली नंबर भेजो, कितने पाए, कितने रॉन्ग, कितने गलत, कितने राइट। फास्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अरे तुम लोग को तो टाइम ज्यादा मिल गया, इधर उधर के चक्कर में। तो मैं 7:25 पर सब लोगों से बोलूंगा कि अपने मार्क्स मुझे पर्सनली भेजेंगे, कुछ लेना देना नहीं है, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि मैं किसी के घर पे मम्मी पापा को भेजूंगा, कुछ भी नहीं। सर फिफ्थ क्वेश्चन के ऑप्शंस नहीं दिख रहे, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे क्या? फिफ्थ फर्स्ट फर्स्ट सब लोगों ने कर लिया। ओके फर्स्ट को मैं अब हटा रहा हूं। ऐसा
फाइव के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। किसी को भी कोई क्वेश्चन होगा तो वो बोलेगा। नेक्स्ट पेज पे जाना है क्या? हाँ सर। यस प्राची बोल रहे हैं, बिल्कुल आगे जाइए। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। ओके आगे बढ़ो। मैं आगे बढ़ता हूँ, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन भी दिखाता हूँ। हो गया? यस सर। तो तनया को चाहिए था क्वेश्चन नंबर सर 10th में रिएक्शन इज नॉट क्लियर। रिएक्शन है C3H8Cl2, ठीक, एंड इट इज फॉर्मिंग C3H7Cl प्लस HCl।
नाउ थर्ड वन क्वेश्चन के लिए बोला था किसी ने, थैंक यू सर। हाँ जल्दी जल्दी आंसर भेजो मेरे पास, मतलब कितना मैं बता रहा हूँ, हाँ सब लोग चेक कराओ। चलो ऑप्शन ए, मतलब सॉरी क्वेश्चन नंबर वन, इन वुड्स रिएक्शन एल्कलाइड रिएक्ट्स विथ किसके साथ, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच हैलाइड विल बी द लीस्ट रिएक्टिव इन द रेस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने क्या बताया था, टर्शरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, टर्शरी सेकेंडरी देन प्राइमरी। ओके तो आंसर विल बी, दिस इज विनाइल क्लोराइड, एलाइलिक क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड एंड टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। तो आंसर टर्ट, टी का मतलब है टर्सरी, टी का मतलब है टर्सरी, ठीक टर्ट, बट आंसर इज एलाइलिक क्लोराइड बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, आंसर इज बी, सॉरी सॉरी दिस इज लिस्ट रिएक्टिव ना, यस लिस्ट रिएक्टिव इज ए विनाइल क्लोराइड। Answer is A. Question number third, for a given alkyl group, densities of the halide are in the order. Obviously, down the group जाने से molar mass increase हो जाता है. That's why molar mass iodine का बहुत ज्यादा है. तो iodine, then Br, then Cl. Answer is D. Density order. Density order. Okay. फोर्थ वन, इन न्यूक्लियोफिलिक एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल्स आर, दे आर बिहेविंग एज अ बेस, ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर बिहेविंग एज अ बेस, ओके दे आर लुईस बेस, ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर लुईस बेस। फिफ्थ वन, ऑन ट्रीटमेंट, ऑन ट्रीटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू एल्किल हैलाइड with sodium methyl in dry ether, 2-methyl propane was obtained, the alkyl halide are, पहला बोल रहा है 2-chloropropane and chloromethane, 2-chloropropane and chloroethane, chloromethane and chloroethane, तो अब देखो 2-methyl prop, 2-methyl prop का मतलब क्या हो रहा है, मिथाइल एंड सेकेंड कार्बन ऐड हो रहा है, इट मीन्स डेट इट मस्ट बी 2-chloropropane एंड क्लोरोमीथेन, आंसर इज ए, आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स, आर एक्स एंड NaOH इज फॉर्मिंग NaOH, इसका मतलब क्या हो गया, दिस NaOH इज डाइल्यूट वन, this NaOH is dilute one and this one is nothing but nucleophilic substitution reaction, SN reaction, SN reaction, okay, halo alkane in the presence of alcoholic KOH, alcoholic KOH का मतलब क्या था, sixth वाले में देखो कल अगर याद हो मैंने बताया था aqua means water, डाइल्यूट दिल से रिएक्शन होता था, वाटर निकलता था, ऐसा बताया था कुछ, वही चीजें। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन, हेलो एल्केन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH कल डिस्कशन किया था, स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल इज एडेड,
तो इट इज नथिंग बट एलिमिनेशन रिएक्शन इज प्रोड्यूसिंग. फर्स्ट वन ऑप्शन ए. ऑप्शन ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्किल हैलाइड. ओके ऑप्शन बी. अभी आज ही देखो रिवाइज करके दिया इसीलिए जानबूझ करके. क्लोरीन रिएक्ट विथ इथेनॉल विल फॉर्म इथाइल क्लोराइड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड. तो आंसर इज ए. नाइन्थ क्वेश्चन नंबर 10 C3H8 ऑन रिएक्शन विथ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNO और लाइट इज नथिंग बट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. Free radical substitution reaction. Just for the practice. Okay. Sir. हाँ बोलो. Third का answer क्या है? किसका? Third. Third one. बताया तो था. Let us take third one. Molar mass जितना increase करेगा, density उतना ज़्यादा increase होगा. Iodine is having highest mass among Cl, Br and I. तो answer is D. Ri greater than Rbr greater than Rcl. Thank you, sir. Okay. Now send me four marks plus. And यहाँ पे नहीं भेजना है, मुझे पर्सनल नंबर पे भेजना है, नहीं तो मैं यहीं पे सबको दिखा दूंगा तुम्हारे मार्क्स, याद रखना. वेदांत यहाँ पे नहीं बताना है, ठीक है ना? ऐसा करके लिखना है 6 × 4 या जो भी मेरे पास आ रहा है, डेट इज 40 marks का है ये. 40 marks का है. 40 marks. सर हाँ. एंड माइनस वन सर. हाँ बोलो. क्या आप 9th और 10th के आंसर्स फिर से रिपीट कर सकते हैं? 9th एंड 10th का आंसर इज 9th इज क्लोरीन रिएक्ट विथ इथेनॉल विल फॉर्म इथाइल क्लोराइड. आंसर इज ए. 10th वन दिस इज नथिंग बट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. ओनली सब्स्टिट्यूशन इज गिवन. सो आंसर इज ए. थैंक यू. ओके सो लेट अस प्रोसीड. मेरे पर्सनल नंबर पे भेजो. श्रुति स्वामी आंसर बोल रहे 6 क्या होगा. हे भगवान. आर एक्स विथ एन ओ एच एक्स इज रिप्लेस बाई ओ एच दिस इज नथिंग बट सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिल से रिएक्शन हो रहा है, याद है? तो X is replaced by OH minus. Incoming nucleophile is OH minus. Outgoing nucleophile is X minus. सारे स्टेटमेंट मैंने लिखवाए हुए हैं. All the statements are already done in the class. Okay. ठीक है. जो भी हो सभी लोग मेरे पास जल्दी जल्दी भेज दो. तो मैं चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक पर. ओके चलो सभी लोगों को मैं सेटल होने के लिए एक मिनट का फिर से टाइम देता हूं. बहुत ही कम लोगों के आए हुए हैं अभी तक आंसर, मतलब कि पूरा फाइनल. नेगेटिव मार्किंग होगा तो नेगेटिव भी करते जाएंगे. माइनस वन. सो लेट अस प्रोसीड फॉरवर्ड. जल्दी जल्दी मेल करो, सॉरी मैसेज करो, नॉट मेल. कुछ लोगों के नाम मुझे नहीं पता है, नीचे नाम लिखते जाएंगे मैसेज के बाद. जल्दी करो फास्ट. अभी तक कितने 10-15 लोगों के आए सिर्फ.
नाम भी लिखते जाएंगे नीचे। नंदिनी क्या कर रही है, तन्वी यहाँ पे नहीं बोलना है, मेरे मुझे मैसेज करना है। कौन सा मैसेज? मेरे पर्सनल नंबर पर, यहाँ पर नहीं। यहाँ पे करेगी मैं सबको दिखा दूंगा, याद रखना, बेइज्जती हो जाएगी। चलो shall I start? So now I am going to start with, चलो please now everyone please write next one, please write next one, next heading लिखो। next heading is reaction with, next heading reaction with KNO2, similar to KNO2, KNO2 और AgNO2 ऐसा करके। चलो देखो, अगेन दिस वन इज आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम फॉर एक्सप्लेनेशन। हाँ बोलो, कोई बोलना चाहता है कुछ? सभी लोग मुझे बताओ जल्दी से क्या बनेगा प्रोडक्ट, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, बोलो। दिस विल बी broken into k plus and NO2 minus. NO2 minus. K plus and NO2 minus. Product बोलो जल्दी से। Cl will be replaced by NO2. NO2. This is not amide, Vag. This is not amide. Nitro है, nitro. This is CH3, CH2, and this is nothing but nucleophile. So reaction will be nucleophilic substitution reaction. अभी मैंने ऐसा लिखा है, correct है क्या? Is it correct or right? बोलो, is it correct or wrong? जल्दी बोलो, fast. Is it right or wrong? सर राइट नहीं। चल लोग देखो क्यों रॉन्ग है, इसलिए तो बोर्ड एग्जाम में आता ना एक्सप्लेन करने को। चलो देखो, ध्यान से देखो, कोई कुछ नोट नहीं करेगा। नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग 3 बॉन्ड्स, नाउ बॉन्ड्स आर कंप्लीट, that's why negative charge must be present on oxygen. So who is going to attack, nitrogen or oxygen? Oxygen. Oxygen. Nahi samajh mein aa raha hai? Oxygen is going to attack. Dev Rathod bilkul sahi hai, ye explain karne ko aata hai. Now the same thing main yahi pe likhwa deta hu, उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन लिखवा दूंगा। ओके, सो दिस इज रिएक्शन विल बी दैट इज विथ, रिएक्शन विथ AgNO2। नाउ दिस इज कोवेलेंट इन नेचर, सो इट विल नॉट बी ब्रोकन इनटू Ag प्लस एंड NO2 माइनस। प्योरली बोर्ड एग्जाम और विथ एक्सप्लेनेशन। बोर्ड एग्जाम के टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, वहां डायरेक्ट रिएक्शन दिया है टेक्स्ट बुक।
So if this is not broken into Ag plus and NO2 minus, so this nitrogen is having a lone pair of electron, so it is behaving as a neutral nucleophile. इसलिए अटैक कहाँ से होगा? नाइट्रोजन साइट से. अगर नाइट्रोजन साइट से अटैक हुआ तो NO2 बनाएगा. वहां पे अटैक कहाँ हुआ था? O से हुआ था. ओके जबकि इसके पहले तुमने KCN से रिएक्शन कराया था कल, तो इट वॉज फॉर्मिंग CH3CH2CN. क्यों? बिकॉज नेगेटिव चार्ज साइनाइड माइनस, माइनस चार्ज किसके ऊपर था? कार्बन के ऊपर. कहां से पता चला? कार्बन इज हैविंग, नाइट्रोजन का ऑक्टेट इज कंप्लीट बट कार्बन ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट, सो नेगेटिव चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट ऑन कार्बन. ये पहले वाला था कल का, ठीक है ना. तो इसी के पैरेलल अगर लिखना होता तुमको, तो मैंने कल उसका स्टेटमेंट लिखवाया था, अगर याद हो तो. कल मैंने उसका स्टेटमेंट लिखवाया था. बोले हैं सर कल का होमवर्क डिस्कशन कर सकते हैं क्या? रमा बोले हैं होमवर्क डिस्कशन करना है, तो रमा जल्दी से स्क्रीनशॉट भेजो क्वेश्चन का मुझे पर्सनल नंबर पे, उसके बाद मैं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास होमवर्क का साइट वो हो नहीं है. लिखो जल्दी से स्टेटमेंट लिखो. एवरी वन प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट फास्ट, राइट डाउन स्टेटमेंट फास्ट. लिखो व्हेन एल्किल हैलाइड, व्हेन एल्किल हैलाइड इज रिएक्टिंग विथ, एल्किल हैलाइड इज रिएक्टिंग विथ KNO2, KNO2 दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट, then it will form ऐसा मैं लिखूंगा. नाइट्रो ओ क्या है? ऑक्सीजन इज अटैच्ड, क्योंकि फॉर्मूला इज ओ एनओ टू ही है ना एक तरह से. ओके और यहां पर तो इट इज फॉर्मिंग, या इट फॉर्म्स नाइट्रो ओ एल्केन. हाँ साइली मैं उसी को लिखवा रहा हूं जो तुमको एक्सप्लेनेशन चाहिए, ठीक है ना. एंड उसके आगे लिखो एंड व्हेन एल्किल हैलाइड इज रिएक्टिंग विथ, एंड व्हेन एल्किल हैलाइड इज रिएक्टिंग विथ, एल्किल हैलाइड इज रिएक्टिंग विथ सिल्वर नाइट्रेट then because of covalent nature of AgNO2, it will not broken into Ag plus and NO2 minus, it will not be broken into Ag plus and NO2 minus, so due to presence of lone pair, so due to presence of lone pair on nitrogen, it will behave as nucleophile. So
so nitrogen will attack on alkyl halide. So nitrogen will attack on alkyl halide. ठीक है ना, while while in NO2 minus, while while in NO2 minus, while in NO2 minus, oxygen is behaving as nucleophile. Oxygen is behaving as nucleophilic site. लिखो, is behaving as nucleophilic site, S I T E, nucleophilic site. So oxygen will attack. So oxygen will attack on alkyl halide. ठीक, यहां तक किसी को डाउट है? इज देर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? इज देर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? बोलो प्लीज. साइली, साइली, इज देर एनी प्रॉब्लम? तो KNO2 इज आयोनिक इन नेचर. So negative charge will come on oxygen, while AgNO2 is behaving as, AgNO2 is behaving as covalent in nature, so it will not be broken into Ag plus and NO2 minus. So there, what is the option? Nitrogen will attack because it is behaving as a nucleophile. Why? One lone pair present. So N side se attack karega carbon ke upar. Either O side se attack karega carbon ke upar. Yahan par. ओके, अब बोलो यहां तक किसी को भी डाउट है तो. इज देर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? इज देर एनी प्रॉब्लम? जल्दी बोलो, यस और नो? यस और नो? नो सर, प्रॉब्लम नहीं है. वेरी गुड. सो लेट अस मूव टू next one, next one. So these are the reactions, these are the reactions of alkyl halide. Ab mere paas isko karne se pehle mere paas elimination reaction ke aur bhi main examples karta hu, uske baad main aata hu. Theek hai na, kal hum logo ne dekha tha, fir se main aata hu. क्योंकि कल हम लोगों ने सिर्फ एक एग्जांपल किया था. ओके, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो एग्जांपल ही तो ज्यादा लेता हूं भाई. अदर कोचिंग्स में एग्जांपल्स नहीं होते हैं, हम लोग एग्जांपल खुद लेते थे. सपोज यू आर हैविंग दिस वन, फिर से चाहो तो हेडिंग डाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए, क्योंकि काफी देर तक चलने वाला है. बिल्कुल हेडिंग लिखो. तो तुमको अगर याद हो क्या क्या ले सकते थे तुम, एल्कोहलिक KOH. एक्चुअली में क्या हो रहा है? So this is highly concentrated one. There is no water. There is no water. Water होता तो H plus OH minus. This is alcoholic KOH. जो था भी उसमें हमने क्या mix कर दिया है? Alcohol mix कर रखा है, C2H5. That's why it is nothing but alcoholic word is using. ठीक? Alcoholic, alcohol C2H5OH मिलाने से KOH का elimination power increases. अब देखो हो क्या रहा है, कैसे एलिमिनेशन इज टेकिंग प्लेस.
मैंने बोला था कि बॉक्स मेथड भी हमारा काम करेगा. नाउ दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन. जहां से सीएल अटैच्ड होता है डेड कार्बन इज कॉल्ड एज अल्फा. एनी ग्रुप नॉट सीएल वेयर ग्रुप इज अटैच्ड कॉल एज अल्फा कार्बन. बाजू वाला इज बीटा कार्बन, उसके बाजू वाला इज गामा. अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा लाइक दिस वन. ये H और Cl निकल गया. अगर H और Cl निकला तो ऐसा आ गया. सिंस हाइड्रोजन एंड हैलोजन बोथ आर रिमूव्ड, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज D. क्या क्या निकला? हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई D हाइड्रो. तो हाइड्रोजन पूरा ना लिख करके मैं क्या लिख रहा हूं अब, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन. एशन इज नथिंग बट प्रोसेस एंड दिस इज कॉल्ड एज, कल स्टेटमेंट लिखवाया था याद है, दिस इज कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन. जहां का हाइड्रोजन निकलता है वहां के रेस्पेक्ट में बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. नोट करो फास्ट, नोट डाउन फास्ट, गिविंग वन मिनट. शैल आई मूव नेक्स्ट वन? सर एक मिनट. हाँ एक मिनट. भाई कुछ लोग फी वगैरह पे कर रहे हैं तो प्लीज आफ्टर ट्रांसफरिंग द अमाउंट एक मैसेज जरूर डाल दिया करेंगे कि सर दिस मच अमाउंट. मम्मी पापा से बोल दो कि व्हाट एवर अमाउंट यू आर पेइंग प्लीज जस्ट राइट डाउन द नेम एंड अमाउंट. ठीक है ना, मुझे पता नहीं चलता है. क्रेडिट जब होता है तो उसमें नाम नहीं आता है, स्टूडेंट का नाम नहीं पता चलता है. चलो नाउ द नेक्स्ट वन, नाउ नेक्स्ट वन. हाँ होमवर्क भी डिस्कशन करना है, बिल्कुल डिस्कशन करना है, बिल्कुल ही डिस्कशन करना है. Suppose you are having concentrated H2SO4 or reagent, याद है कल लिखवाया था concentrated H2SO4 alcoholic KOH and NaNH2. So this particular carbon is called as alpha, this is called as beta, this is called as beta. Alpha carbon से attached carbon are called as beta. So you are having two beta. Beta 1 and beta 2. Okay? So, if particularly hydrogen is replaced from beta 1 or beta 2, dono ek ek H ko nikal diya. Option number 1, beta 1 se H and Cl nikla. ऑप्शन नंबर टू बीटा टू से निकला. ऑप्शन नंबर वन व्हेन बीटा वन इज रिप्लेस्ड विल फॉर्म CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3. व्हेन बीटा टू इज रिलीज्ड हाइड्रोजन CH3CH2 Cl from alpha
Cl from alpha and H from beta 2. Now two products are formed. You have to decide which one is major, which one is minor. ऐसा खूब आता है एग्जाम्स वगैरह में. तो एक मैंने लिखवाया था सेडजेफ रूल 11th क्लास. जो लोग दूसरी जगह से आए हैं कोई प्रॉब्लम नहीं. व्हाट इज सेडजेफ रूल? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड जितना ज्यादा बल्की ग्रुप कहें तो अल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन. ओके, सो दिस इज आर आर ऐसा. नंबर ऑफ एल्किल, आर इज एल्किल, कम करते जाओ. दिस इज सी एच टू. तो जितना कम करता जाएगा उतना स्टेबिलिटी कम होता जाएगा. तो अब देखो इन प्रॉब्लम नंबर, इसमें दिस इज सी एच, दिस इज सी एच, और नीचे वाले में क्या है, हाइड्रोजन नंबर वन, और इधर दोनों साइड हाइड्रोजन. That's why ऊपर वाला एल्कीन इज मोर स्टेबल. ऐसा सेकेंड वाला स्ट्रक्चर को मैं फिर से ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर दे रहा हूं. देखो राइट साइड इट इज हैविंग टू हाइड्रोजन, तो एल्किल ग्रुप कम होता जा रहा है. That's why this is major product. This is minor product according to Sedjef rule. According to Sedjef rule, ठीक है ना? तो अब मैं कल के होमवर्क पर बोल रहे हैं डिस्कशन करने के लिए, या एक दो एग्जाम्पल्स हम लोग और भी ले सकते हैं. Then we can move to ओके. अच्छा होमवर्क का तो पहला ही हमने डिस्कस कर दिया. होमवर्क में यही दिया था, फर्स्ट वन बाय द वे यही ले लिया हमने. ऑल आर फॉलोइंग बीटा एलिमिनेशन, ऑल आर फॉलोइंग बीटा एलिमिनेशन. फर्स्ट वन इज द मेजर प्रोडक्ट, वेरी गुड. फर्स्ट वन इज द मेजर प्रोडक्ट, सो दिस इज मेजर and this one is minor product. Okay, ये जो अभी मैंने लिख करके दिया है, this is already been asked in IIT and NEET. Same important one. ऐसा नहीं मैं जो लिख रहा हूँ, each and every statement is important one. Each and every statement is important. Beta elimination following. तो let us come to next one. नेक्स्ट वन रमा ने भेजा है इज दिस वन. सो दिस इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन, बगल वाला इज बीटा, बगल वाला इज बीटा. तो दिस इज बीटा वन एंड बीटा टू. नाउ बीटा वन इज हैविंग थ्री हाइड्रोजन्स, बीटा वन इज हैविंग थ्री हाइड्रोजन्स. And beta 2 is having one hydrogen only. Beta 2 is having only one hydrogen. This one. Option number 1. This hydrogen and Cl is removed. Okay. You will get this one. Option number 2, if left side ka H or Cl removed ho, you will get this one. Now again
हाइड्रोजन जितना भी है स्प्लिट करके लिखो, हाइड्रोजन जितना भी है स्प्लिट करके लिखो, तो कंपाउंड नंबर वन एंड कंपाउंड नंबर टू, कंपाउंड नंबर टू इज मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सेडजफ रूल. फर्स्ट वन इज माइनर वाई, लेस नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, लेस नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स इन कार्बन नंबर वन, इन कंपाउंड नंबर वन. ओके, दिस इज सेकेंड वन. नाउ थर्ड वन, रिएजेंट तो लिखना ही पड़ता, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. दिस इज एल्कोहलिक KOH. नाउ दिस इज बीटा वन, दिस इज बीटा टू. हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, चाहे ऊपर का हाइड्रोजन निकालो, आइदर अपवर्ड हाइड्रोजन और डाउनवर्ड हाइड्रोजन, बोथ आर सेम कंपाउंड. दैट्स व्हाई ऐसा फॉर्म हुआ. ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? बोलो. इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? बोलो अथर्वा. So let us move to next one. Elimination reaction E भाई, मैं ज्यादा example ले लेता हूँ इसलिए मुझे लगता है लोगों को problem हो रहा है. उतना अच्छा है ना तुम्हारे लिए. Suppose you are taking concentrated H2SO4. Now you are having beta number one, क्योंकि this is alpha. Beta number two. All are beta carbons. Alpha से attached carbon are beta. Three carbons are attached. So if hydrogen is removed from beta 1, this one is formed. If hydrogen is removed from beta 2, if hydrogen is removed from beta 3, aisa. Now by naming first, second, first and third are same, so two products are formed. Now which one is major product? Two products are formed, one and third are same, one and third are same. तो फर्स्ट वाला इज मेजर प्रोडक्ट. वाई? मोर नंबर ऑफ कार्बन्स आर प्रेजेंट.
दिस इज माइनर वन, सेकंड वाला. ओके, सेकंड वाला इज माइनर, फर्स्ट वाला इज मेजर प्रोडक्ट. दिस इज अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शन. सपोज ऐसे ही मैं और भी ले लूं, मेरे पास ऑलरेडी दिस प्रॉब्लम केम इन एम्स, सपोज यू आर टेकिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. Try it fast. Try it fast. हो गया, मैच कराओ सभी लोग. So this is called as alpha carbon, beta 1 and beta 2. Beta 1 से remove करो. Is this one? ठीक. Beta 2 से remove करो. इसमें क्या हो रहा है, दिस कंपाउंड इज इन रेजोनेंस, दिस कंपाउंड इज इन रेजोनेंस, दैट्स व्हाई दिस इज हाईली स्टेबल वन, दैट्स व्हाई दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट. डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस है तो तुमको हमेशा मेजर प्रोडक्ट ही लिखेगा प्रोडक्ट में. सेम प्रॉब्लम अगेन मेरे पास आया. नाउ लेट मी नो एल्कोहलिक KOH और NaNH2. सभी जगह मैं एल्कोहलिक KOH लेता था. चलो एक न्यू रिएजेंट लिया, KNH2. जल्दी बोलो, इस सेम concentrated H2SO4, concentrated H2SO4, alkali KOH, NaNH2, both are same, all are having elimination property. Bolo, jaldi bolo. ठीक है ना, चलो सेम. दिस इज अल्फा, बीटा 1 एंड बीटा 2. बीटा 1 से हटाओ ऐसा. डबल बॉन्ड, नाउ विच वन इज मेजर प्रोडक्ट, फर्स्ट और सेकंड, जल्दी से लिखो फास्ट. So first one is major product because of, first one is major product because of resonance. Pi bond alternate of pi bond. First wala is in resonance. So second wala is minor product. ठीक है ना, सो मेजर प्रोडक्ट एंड माइनर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट एंड
minor product. So I don't think there is a problem. I don't think there is problem. Is there any problem? How to decide major product and minor product? How to decide major product and minor product? G1. ठीक है ना. सो लेट अस मूव फॉरवर्ड. ये ऑलरेडी मैंने सारे स्टेटमेंट्स वगैरह लिखवाए हुए हैं. ऑल स्टेटमेंट्स आई हैव ऑलरेडी रिटेन वन. दिस रिएक्शन इज फॉलोइंग एलिमिनेशन रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज फॉलोइंग बीटा एलिमिनेशन. दिस रिएक्शन इज हैविंग डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन. सिंस हाइड्रोजन एंड हेलोजन बोथ आर रिमूव्ड. Since hydrogen and halogen both are removed, ठीक है ना. That's why this reaction is called as dehydrohalogenation reaction. Dehydrohalogenation reaction, ठीक है. Is there any problem till now? Is there any problem till now? नेक्स्ट हेडिंग लिखो. नेक्स्ट एंड लास्ट वन लिखो. फॉर्मेशन ऑफ एस्टर. नेक्स्ट हेडिंग इज फॉर्मेशन ऑफ एस्टर. राइट डाउन स्टेटमेंट. राइट डाउन स्टेटमेंट लिखो. When alkyl halide is reacting with, when alkyl halide is reacting with silver acetate, is reacting with silver acetate, is reacting with silver acetate, then it is forming alkyl alkanoate and silver halide. And silver halide. चलो ऐसा लिख दिया ताकि समझ में आए. मैं अभी जानबूझ करके बॉक्स मेथड वगैरह लेकर के चल रहा हूँ. सो दिस विल फॉर्म CH3 C डबल बॉन्ड O O एंड देन X की जगह पर आ गया CH3 ऐसा. तो नेमिंग इज इथाइल. इथाइल कौन सा है? ओ के बाद वाला. एंड देन इथेनोएट. इथाइल इथेनोएट. एंड AgBr. Alkyl alkanoate and silver halide is formed. Take. तो तुमको एक साथ लिखेगा COOAG. Okay? तुमको अपने से समझना है. तो AgNCl निकल जाएंगे. AgNCl निकल जाएगा एंड विल फॉर्म
So this is nothing but methyl. Benzoate. Methyl benzoate. Last one. लास्ट वन जल्दी बोलो सीएल को हटाओ एजी को हटाओ सो दिस विल फॉर्म सो दिस इज साइक्लो हेक्साइल benzoate ठीक है तो next week से हम लोग lecture 3 days a week रखेंगे ठीक है ना नेक्स्ट वीक से हम लोग 3 days अ वीक रखेंगे जो लोग ऐप के लिए भेज रहे हैं वो डिटेल भेजते जाएंगे जिन्होंने नहीं भेजा है वो भेजें 300 रुपए में कुछ नहीं होगा ठीक है ना हाँ वो मैं बताऊंगा तुम लोगों को मैं सब बताऊंगा कब होगा कब नहीं होगा ओके बट ये वाला वीक तो एज यूजुअल चलता रहेगा अप टू सैटरडे दिस विल बी सेम टाइमिंग ओके नेक्स्ट वीक से हम लोग देखते हैं कौन सा डे और कौन सा टाइम होना चाहिए ठीक जिससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए तो ठीक है भाई अटेंडेंस धीरे धीरे करके लास्ट तक आते आते डाउन हो जाता है दिस इज बैड थिंग कहां से लिखोगे जितना मैं लिखवा रहा हूं कोई इतना लिखवा रहा है क्या हाँ बहुत करोगे वीडियो देखोगे वीडियो देख करके क्या कर लोगे सारे टीचर्स देखा होगा सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन चल रही है उस पे सब लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं मैं एक एक चीज लिख करके तुम लोग को कॉपी पे समझा रहा हूं प्लीज सभी लोग अटेंड करो लास्ट तक लेक्चर्स जब भी रहे तो ठीक है ना चलो थैंक यू गुड नाइट चलो बाय बाय